नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन और मेरी मौजूदगी इस समय जौनपुर के महाराणा प्रताप चौक पे है और महाराणा प्रताप की प्रतिमा जो है बगल में है। सबसे पहले अब आज हम बात करेंगे जौनपुर लोकसभा चुनाव को लेकर के, लेकिन उसके पहले मैं एक कविता जो महाकवि श्याम नारायण पांडे जी की है उसकी जिक्र करना चाहूँगा कि रणवीर चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। तो यहाँ जौनपुर के राजपूत वोटर्स हैं, इनसे किसका पाला पड़ने वाला है, कौन प्रत्याशी यहाँ से जीतने वाला है, किसकी शिकस्त होने वाली है, इसको लेकर के हम राजपूत वोटर्स से बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सूर्य प्रकाश सिंह मुन्ना। आप तो बीजेपी का झंडा भी लगाए हैं, तो क्या लगता है इस बार बीजेपी जो 400 पार के दावे हो रहे हैं वो पूरा एकदम पूरा होगा? देश के स्वाभिमान की लड़ाई, देश के समाज, देश की जनता की लड़ाई केवल भाजपा लड़ रही है, इसलिए मोदी और योगी के नेतृत्व में 400 पार भाजपा जरूर लाएगा जौनपुर, उसमें अच्छे मतों से, लाखों मतों से जिताएगी इस बार। सपा को कैसे देखते हैं इस लड़ाई में? यहाँ से बाबू सिंह कुशवाहा उतारा गया है जातिगत जो है वोट साधने की। देखिए, जातिगत वोट थोड़ा बहुत जा सकता है, नहीं कहेंगे, लेकिन मौर्य बिरादरी भी हमारे साथ अच्छी संख्या में रहेगी और करीब करीब 80% मौर्य, 10-20% जाति असर पड़ता है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है मौर्य हमारे साथ है। ज़्यादा से ज़्यादा मौर्य वोटर्स भी बीजेपी के साथ हैं। क्या नाम भैया? आशुतोष सिंह। क्या लगता है आपको इस बार किस तरफ रुका, क्योंकि पश्चिम में अगर देखा जाए तो राजपूत वोटर्स नाराज दिख रहे हैं, तो इधर पूर्वांचल तरफ? नहीं, राजपूत वोटर्स नाराज नहीं है, ये थोड़ी सी कुछ बातें आई थी, लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मोदी जी भी गए थे, राजपूत नेताओं से मिले थे, और भाजपा 400 के ऊपर ही जाएगी, ये पक्का है। जौनपुर की क्या कंडीशन? जौनपुर में भाजपा ही नंबर वन पे है, भाजपा से ही सब लड़ रहे हैं, जौनपुर में बीजेपी से सब लड़ रहे हैं। आपका क्या नाम? रत्नाकर सिंह। क्या लगता है आपको, सब लोग कह रहे हैं कि जौनपुर से बीजेपी से ही सब लड़ रहे हैं, तो क्यों आखिर क्यों जो है बीजेपी, चूंकि पिछले चुनाव में जो है बीजेपी के यहाँ शिकस्त हाथ लगी थी, वही मोदी जी थे, शिकस्त लगी थी उसके कारण से सपा बसपा मिलकर एक साथ लड़ी थी। दूसरी चीज़ यह है कि आज की तारीख में हमारा जो प्रत्याशी है राष्ट्रीय स्तर का प्रत्याशी है, और हमारे जो प्रत्याशी की अवधारणा है जौनपुर के विकास का, जौनपुर के उत्थान का, जौनपुर में कल कारखानों का, जौनपुर में उद्योग धंधों का, इस स्थिति में जौनपुर में भाजपा प्रत्याशी के पीछे कोई पार्टी आ ही नहीं पा रही, बहुत दूर दूर तक। विपक्ष लगातार तंज कस रहा है और आपके प्रत्याशी को जो है घोटालेबाज बता रहा है, लगातार महाराष्ट्र के उनके जो है कई घोटालों की बात कर रहा है, कई FIR दर्ज हैं। विपक्ष का काम केवल आरोप लगाना है, ये एकदम चरित्र के धुले हुए हैं, और लगातार जौनपुर से जाके कोई महाराष्ट्र में मंत्री बने, 4-4 बार विधायक MLC बने, ये उसके करेक्टर और उसकी मेहनत उसके टैलेंट की बात है कि जौनपुर से जाके आदमी महाराष्ट्र में इतनी छवि बना रहा है, जौनपुर का लड़का जाके नौकरी करने जाता है और वहाँ राष्ट्रीय वहाँ के महाराष्ट्र के पूरे प्रदेश की राजनीति में छा जाता है, तो वह उसके विरोधी तो उसके बदनाम करने की साजिश कर भी करेंगे। बिल्कुल, देखिए बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं कृपा शंकर सिंह, उनकी तारीफ इसलिए भी हो रही है क्योंकि जौनपुर से निकलते हैं और महाराष्ट्र में जा करके राजनीति में जो है एक अलग मुकाम हासिल करते हैं। क्या लगता है, जिस तरह से अभी तक देखा जाए बसपा ने श्रीकला सिंह को टिकट दिया था, कहीं कहीं ये लगता था कि क्षत्रिय वोटर्स बट रहे हैं, लेकिन अब उनका टिकट कट गया जिस तरह से बसपा से कट गया, अब श्याम सिंह यादव आ गए जो पूरे पिछले सांसद सीटिंग सांसद हैं, तो क्या लगता है? भाजपा के कारण ही ये लोग हट जा रहे हैं, श्याम सिंह यादव की मजबूरी है लड़ने की, वो लड़ेंगे ही। और जहाँ तक कृपा शंकर सिंह की बात है, कृपा शंकर सिंह माने उत्तर प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र चले जाइए चाहे जहाँ चले जाइए, जो इतना बढ़िया और इतना अच्छा प्रत्याशी है तो कोई किसी से कोई मुकाबला नहीं है। आपने एक बात कहा कि भाजपा के कारण ही ये लोग हट जा रहे हैं, हाँ। और चर्चाएं भी लगातार यही हो रही है कि बीजेपी के प्रत्याशी जो है कहीं ना कहीं भाजपा वालों ने मिल करके उनका टिकट कटवाया। ना, ये कोई बात नहीं, डर के नाते हट जा रहे हैं कि कोई मैच ही नहीं है किसी का, सब समझ रहे हैं कि इनके सामने लड़ने से कोई मतलब नहीं है। और जो ये चर्चाएं जो चल रही हैं कि हाँ बीजेपी ने मिल करके, बीजेपी की बी टीम भी कहा जाता है बसपा को, और उन मिल करके जो है, क्योंकि धनंजय सिंह यहाँ से वोट काट रहे थे, अच्छे हैं आरोप लगाएंगे, तो सारे आरोप तो सही होते नहीं, चाहे इनके ऊपर ही जो आरोप लगे कोई आरोप सिद्ध है नहीं, तो इस तरह तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। क्या नाम है आपका? शशि सिंह, पूर्व जिला पंचायत सदस्य। क्या लगता है इस बार जौनपुर के क्षत्रिय वोटर्स रुक किधर? नहीं, मैं तो पहले मोदी जी को, नड्डा जी को, योगी जी को, अमित शाह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारा जौनपुर बड़ा पिछड़ा था, अब आप ये जान लीजिए कि पिछड़ा था तो ऐसे कर्मयोगी जो बम्बई में रहकर पूरा अपने काम किए, हर जाति धर्म के लिए, कभी भी उनका ये नहीं रहा कि ये मुसलमान है, यादव है, या हरिजन है, या को सब के लिए फ़ोन करते हैं, सब के लिए काम करते हैं,
तो हमने यहाँ आने पे, पहले तो मैं राष्ट्रीय स्तर के नेताओं को धन्यवाद दे रहा हूँ कि कर्मयोगी एक कृपा शंकर सिंह को भेजा है, ये काम करेंगे, ये सभी जात धर्म को लेकर चलेंगे। इनका ये नहीं होता है कि नहीं ये यादव है हमारा, इनका काम नहीं होगा, ये हरिजन है या ये मुसलमान है, सबका काम ये करेंगे। अभी आप जान लीजिए कि ये ना मोदी जी ने इनको जब कहा कृपा शंकर सिंह आप जाइए वहाँ अपने जन्मभूमि पे कुछ करिए, तो जन्मभूमि पे करने के लिए तो उन्होंने थोड़ा सा उन्होंने पूछा क्यों आप खुश नहीं हैं क्या, इन्होंने कहा क्या मोदी जी आपका जैसे बनारस है वैसे हमारा जौनपुर क्या हो जाएगा, कहन बिल्कुल हो जाएगा आप जाइए। तो आज देख लीजिए स्थिति बदलेगी, एम्स आएगा यहाँ और फैक्ट्रियाँ लगेगी, दवा की फैक्ट्रियाँ लगेगी। एक मेडिकल कॉलेज सपा सरकार में मिला था वो तो अभी तक पूरी तरह से चालू नहीं हो पाया। मिला था वो पहले की बात हम नहीं कहते, कौन दिया क्या दिया, सपा सरकार ने दिया था तो बजट नहीं दिया ना, या बजट और भी नहीं आया उसकी बात हम नहीं कहते। अब हमें लगा है कि कर्मयोगी एक हमारे आए हैं, ये हमारे जौनपुर का विकास होगा, जन जन एकदम खुश है, हर जाति धर्म के लोग एकदम प्रचार कर रहे हैं, इनके साथ बड़े सरल और सहज व्यवहार के हैं, जो भी जाएगा मिलेंगे, सबकी सुनते हैं, सबका काम करते हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सूर्यांश नाम है। कैसे देखते हैं सूर्यांश जी, जिस तरह से बसपा ने जो टिकट काटा, श्याम सिंह यादव जी आ गए सिटिंग सांसद, और उनका कहना है कि ज्योतिष ने उन्हें बताया था कि आप जो है फिर से सांसद होंगे, और एक दिन पहले नॉमिनेशन के उनको जो है रात में फोन आ जाता है, कैसे देखते हैं आप जिस तरह ज्योतिष की बात कर रहे हैं? अब ज्योतिष पे उनको कितना भरोसा ये तो वही बता सकते हैं, पर फिलहाल हम लोग भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है ये विकास के मुद्दे पे लड़ रहे हैं, विकास के लिए लड़ रहे हैं, विकास ही हम लोग का मेन मुद्दा है और उसी पे भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, 400 के पार जा रही है। जौनपुर में क्या लगता है कि किस तरह से अभी विकास से अछूता रह गया है जौनपुर? नहीं, विकास के बहुत सारे कार्य हुए हैं, अछूता नहीं रह गया, विकास की निरंतर प्रक्रिया चलती रहती है। अब वैसे भी ये विकसित देश है तो जौनपुर भी एक विकास की लहर में अपना एक योगदान दे रहा है, धीरे धीरे भाजपा की सरकार फिर आने वाली है और विकास और तेजी होगा। बिल्कुल, विकास और तेजी। क्या नाम भैया? राहुल सिंह। राहुल जी क्या लगता है इस बार मोदी जी के 400 पार, और लोग कह रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के लोग कह रहे हैं कि 200 भी पार नहीं हो पाएगा? नहीं, 400 पार का जो नारा है ये पूर्णतः सफल नारा है और आने वाले दिन में ये पूर्णतः सफल माना जाएगा, इसमें कोई बट की बात ही नहीं है। जिसमें हमारी आत्मा बसती है वो ये है, और इनके नाते पूरा जौनपुर के जो भी आप जिसे जात का नाम ले रहे हैं या पूरा समाज हमारा हर रूप से माननीय कृपा शंकर जी के साथ खड़ा है। तो ये देखिए, ये जौनपुर के छतरी वोटर्स हैं जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि बीजेपी जो है वो जौनपुर में जीत दर्ज कर रही है, और जो मोदी जी का नारा है 400 पार वो जो है पूरा होने वाला है, लेकिन अब जब 25 मई को यहाँ वोटिंग होगी और जब काउंटिंग होगी तो उसके बाद ही पता चलेगा कि जौनपुर का ताज किसके सर पर बनता है।